हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी। ये केक और मिठाई का फ्यूजन है जिसको मैंने नाम दिया रसगुल्ला कपकेक्स। तो चलिए देखते हैं रसगुल्ला कपकेक की रेसिपी क्या है। रसगुल्ला कपकेक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ एक कप ल्यूक वार्म मिल्क। उसमें मैंने ऐड किया है एक चम्मच विनेगर और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इस मिल्क को मैं 5 मिनट के लिए साइड में रखती हूँ और जब तक हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी करते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए मैंने सबसे पहले लिया है 1 कप आटा, इसको मैं छान रही हूँ। अब लेंगे हम 1/2 कप चीनी, मैं यहाँ पिसी हुई चीनी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग करने के लिए याद रखें मेजरमेंट जो है वो प्रॉपर लें। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप मिल्क पाउडर, 1 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड और सभी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे हम। छानने से सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाती है और जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें एयर प्रोड्यूस होती है जिसके कारण हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो लाइट हो जाते हैं और केक बैटर ईजिली बन जाते हैं। ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, तो चलिए अब देखते हैं हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा मिल्क भी कर्डल हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप ऑयल, आप ऑयल की जगह 1/2 कप बटर भी ले सकते हैं, बटर मेल्टेड स्टेज पर होना चाहिए। अब दोनों इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स करेंगे और हल्के हैंड से व्हिस्कर की हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मेरी वीडियो की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तेज कर रही हूँ, बट आप बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इसे मिक्स करेंगे। मेरा बैटर थोड़ा गाढ़ा है इसलिए यहाँ पर 2-3 चम्मच दूध ऐड कर रही हूँ। आप स्पैचुला की हेल्प से भी केक बैटर को मिक्स कर सकते हैं। देखिए मैं कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 से 2 ड्रॉप येलो फूड कलर, आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ ये फिलिंग, यह फिलिंग मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बनाई थी, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फ्रिज में रखने के कारण थोड़ी हार्ड हो गई है इसलिए मैं इसमें 1-2 चम्मच दूध डालकर 10 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर लिया है। देखिए हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी है। फिलिंग मैंने कंडेंस मिल्क, ड्राई फ्रूट और बटर के साथ रेडी करी थी, इससे जो हमारा केक का टेक्सचर है, जो टेस्ट है वो बहुत ही रिच आएगा। फिलिंग को सॉफ्ट हैंड से केक बैटर के साथ मिक्स कर लेंगे। अब मैंने ऐड करे थोड़े से ड्राई रोज पेटल्स, कटे हुए बादाम, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, आप इलायची पाउडर ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ कपकेक लाइनर्स, आप चाहे तो सिलिकॉन मोल्ड भी ले सकते हैं और उसमें थोड़ा सा अपना बैटर डालूंगी। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ छोटे साइज़ के गुलाब जामुन और केक बैटर के सेंटर में प्लेस कर रही हूँ। अब इसी तरह बाकी के सारे कपकेक्स रेडी कर लेते हैं। अब ऊपर से बैटर डालकर सारे गुलाब जामुन को कवर कर देंगे। ऊपर से थोड़ा बादाम, पिस्ता और रोज़ पेटल्स डालेंगे और ये हमारे सारे कपकेक्स बेक होने के लिए रेडी हैं। मैंने माइक्रोवेव को 10 मिनट के लिए पहले ही प्रीहीट कर लिया है। अब मैं अपने कपकेक्स को 180 डिग्री सेल्सियस पर 25 मिनट के लिए बेक कर रही हूँ। हमारे कपकेक्स इतने ब्यूटीफुली बेक हो रहे हैं, ये हमारे सभी कपकेक बनकर तैयार हैं। आप सभी को मेरी यह रेसिपी कैसी लगी एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।